जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिन जी और इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ यूपीएससी एग्जाम के बारे में। देखिए, जहाँ तक मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि यूपीएससी का एग्जाम टल जाएगा 100%, तो आपका यूपीएससी का एग्जाम आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात, दूसरी बात यह है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको फिर कब तक का करना है, आपको क्या करना होगा, जैसे अगली डेट दे दी जाएगी, ठीक है, लगभग आपका हो सकता है ये 2 महीने या 1 महीने बढ़ाया जाएगा, मई यानी कि जून जुलाई, हो सकता है लास्ट जुलाई या अगस्त में आपका ये एग्जाम कर दिया जाए यूपीएससी का, क्योंकि बहुत सारी देखिए पेपर बन गया होगा तो पेपर भी कहीं ना कहीं दूसरा ही बनाना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा और 1 महीने का ये 2 महीने का लगभग जो करंट है वो भी आपको करना होगा। तो आपको करना क्या होगा, अप्रैल का पूरा करंट और मई का पूरा करंट, ये 2 महीने का करंट अफेयर्स और अच्छे ढंग से करना होगा, ठीक है। और बाकी के जो ट्रिक्स के वीडियो आ रहे हैं वो तो आपके सार्वभौमिक हैं, आप कभी भी उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी और जैसा कि आपको कमेंट से पता पड़ रहा है, और कमेंट करिए चाहे मत करिए, मुझे पता है वो 100% काम करता है, अच्छे ढंग से काम करता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए तैयारी में यदि आपने ढील दे दी तो समस्या खड़ी हो जाएगी आप ही के लिए। जो भी चीजें चल रही हैं, राजनीतिक हैं, कैसी हैं, क्या हैं, उन्हें क्या करिए, आप चलने दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो मूल उद्देश्य है, टारगेट है, वो क्या है, स्टडी है, ठीक है। स्टडी पर फोकस करिए पूरी तरह से और बिल्कुल सकारात्मकता अपनी बनाए रखिए। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, देखिए मान लीजिए 3 मई को खुल जरूर जाएगा, यानी कि कुछ चीजें खुली जाएगी लेकिन सभी राज्यों से नहीं खोली जाएंगी। हो सकता है जैसे जहां पर ज्यादा, जैसे मुंबई असर हुआ, बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं वहां पर, तो क्या लग रहा है कि एकदम से खुल जाएगा वहां पर, हो सकता है 3-4 महीने चले वहां पर, 3-4 महीने चलेगा, तो जो सेंटर के जो एग्जाम है वो तो आगे डेफिनेटली बढ़ना तय है। तो यूपीएससी का एग्जाम आपको मान के चलिए कि बढ़ना तय है, 3 या 4 तारीख को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही लॉकडाउन खोलने की, यानी कि लॉकडाउन की किस प्रकार से खोलेंगे, उस प्रकार से दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके बाद में, ठीक है। तो जब तक आप बिल्कुल अपनी स्टडी करिए, जो भी चीजें छूटी हुई हैं उन्हें कर लीजिए, ठीक है। और जो पेड ग्रुप में है हमारे, उनके लिए करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इन 2 महीने का एक ही बार कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप तैयारी कर सकें अच्छे ढंग से, मई लास्ट तक, जून जुलाई, ठीक है, जुलाई जुलाई लास्ट वीक में, जहां तक मुझे लग रहा है रियलाइजेशन हो रहा है, आपका एग्जाम या फिर अगस्त में ही हो पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दूसरे लोगों तक, और इन्फॉर्मेशन ये सटीक नहीं है लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, कारण समझ लीजिए, बता दिया मैंने, क्योंकि तो लॉकडाउन जो खुलेगा वो सभी राज्यों में नहीं खुलेगा, खुलेगा राज्यवार खुलेगा, ठीक है, जहां पर ज्यादा लोग हैं, जैसे आगरा हुआ, तो आगरा का अभी खुलने वाला नहीं है यूपी में, कारण ये है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।